हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कंडीशन को लेके आए हैं जिसके अंदर टेस्टिंग की जाती है कि आपकी मसल की एक्टिविटी और नर्व की एक्टिविटी क्या सिंक है, आपस में ठीक चल रही है, मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मसल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जज करने का जो टेस्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। इसके अंदर नीडल्स या इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग मसल्स के अंदर डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है और उसको हम ईएमजी मशीन के द्वारा चेक करते हैं कि उन मसल्स के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, जब हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं जो उस मसल को सप्लाई कर रही है, तो उस नर्व को स्टिमुलेट करने पे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हल्का आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो पता लगाने की ये एक टेस्टिंग होती है। तो अगर आप पूछेंगे नीडल्स लगा रहे हैं तो पेन होगा या नहीं होगा, तो जैसे इंजेक्शन लगाते वक्त में नीडल्स जाती हैं वैसा ही थोड़ा पेन इसके अंदर होता है। प्रोसीजर के बाद भी थोड़ा बहुत सोरनेस कुछ समय के लिए फील होती है, बट ये टेस्ट करना ज़रूरी इसलिए होता है कि ये कई बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देती है। टेस्ट को करने में लगभग आधा घंटे से पौना घंटे का टाइम लगता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले अगर आप पूछेंगे तो नॉर्मल खाना खा के जा सकते हैं, जो मेडिकेशंस आप लेते हैं वो लेके जा सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली डॉक्टर ने मना किया है कुछ खाने के लिए तो आपको पूछना चाहिए। अच्छी बात होती है कि एक दिन जब आप जाने वाले हैं टेस्ट के लिए तो उससे पहले बाथ लेके जाएं, क्योंकि बॉडी पे जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है। आप कोई क्रीम लगा के ना जाएं, लोशन लगा के ना जाएं। तो ईएमजी का जब टेस्ट होता है उसने डिटेक्ट कर लिया कि कोई एबनॉर्मल मसल एक्टिविटी है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जब हमने नर्व को स्टिमुलेट किया तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल है। तो ये हमें बहुत सारी कंडीशंस के बारे में जानकारी देता है, जैसे पॉलीमायोसाइटिस हुई, डर्मेटोमायोसाइटिस हुई, तो जो मसल के इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगर नर्व कंप्रेस है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, कहीं पिंच है किसी भी पार्ट के अंदर, तो वो जानकारी मिलती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशंस में, मिस्थीनिया ग्रेविस में, डिस्क के हर्निएशन में भी ये जानकारी देती है। तो जब एबनॉर्मल ईएमजी टेस्ट आता है तो उसमें दो मेन फैक्टर्स होते हैं कि एक तो ये देखा जाता है कि जब मसल को स्टिमुलेट नहीं किया गया है, नर्व को स्टिमुलेट नहीं किया गया है, मसल उस समय रेस्ट में है, तब उसके अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है, और जब उसको नर्व को स्टिमुलेट किया गया है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन आया है, तब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितनी एबनॉर्मल है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि मसल के अंदर कौन सी कंडीशन है या नर्व के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये एक सपोर्टिव और एडिटिव टेस्ट होता है। नॉर्मल ईएमजी आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपकी मसल और नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार नॉर्मल टेस्ट भी आ सकता है, बट ये क्लिनिशियन या डॉक्टर का काम होता है कि उस रिपोर्ट को आपके सिम्टम, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ जज करके सही डायग्नोसिस बनाना। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डीआर डेली, फॉलो आवर फेसबुक पेज। थैंक यू।